अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। आइए आज हम आपको फ्रेश बर्फ़ी दिखाते हैं। और चाचा जी ने तो जेल बना दी है, नहीं खोलने लगे। और अभी दरवाज़ा खोलते हैं और आपको दिखाते हैं, बिल्कुल फ्रेश बर्फ़ी इधर रेडी हो रही है। और ये लगनी हमारे साथ ही एक गाँव है। आइए चलते हैं और बर्फ़ी देखते हैं कैसे रेडी कर रहे हैं। और इनकी बर्फ़ी जो है ना वो पूरी दुनिया में जाती है, तो दिखाते हैं और टेस्ट भी करते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट वाइज कैसी है। चलो ये कलीम भाई हमारे साथ हैं और ये चाचा जी जो है ना स्पेशल ऑर्डर पे बर्फ़ी रेडी करते हैं। लाइट नहीं लगी हुई लाइट, और बिल्कुल फ्रेश दूध और खुशबू अगर देखी जाए दूध की तो बिल्कुल जो है ना फ्रेश दूध है और बिल्कुल हालस। इधर किसी किस्म की चाचा जी जो है ना मिलावट नहीं करते। और यहाँ पे एक मिनट ये चेक करें बर्फ़ी, चेक करें एक माशाल्लाह। वाह नाज़रीन, ये मक्खियों से बचने के लिए यहाँ पे ज़रा रोशनी कम है, मगर ये बर्फ़ी अगर आप टेस्ट कर लें तो टेस्ट वाइज बहुत ही मज़ेदार है। और चाचा जी आपका नाम क्या है? नाम ज़फ़र अहमद। ज़फ़र अहमद साहब हैं, तो ये स्पेशल ये ही बहुत पुरानी दुकान है, तकरीबन आज से कितने साल पुरानी है? 25-30 साल। 25-30 साल पुरानी है। और बर्फ़ी जो है ना टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छी है, दुनिया भी हम इसको में जाती है। और ये भाई जो ना दुबई जाने के लिए भी बर्फ़ी लेने आए हैं, ये यहाँ पर 20 किलो का ऑर्डर इनको देके जा रहा हूँ। हाँ 20 किलो का ऑर्डर भाई ने देके जाना है। और ये बर्फ़ी चेक करें और मैं थोड़ी सी टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ टेस्ट वाइज कैसी है। एक मिनट अमेजिंग, एक मिनट आ जाओ ज़रा इधर नाज़रीन, इसको टेंडर ज़रा इसका चेक करें। अभी आप तो समझ रहे होंगे कि दुकान किस तरह की है, क्या है क्या नहीं। अभी मैं गोरमे की शॉप से आ रहा हूँ और मैंने गोरमे की बर्फ़ी का टेस्ट किया है, मगर कोई मज़ा नहीं आया। तो अभी ये चाचा जी के पास आए हैं और बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी है और इसको टेस्ट करता हूँ। अभी भाई ने तो टेस्ट कर ली थी, मैं वीडियो बना रहा था। अमेजिंग और नाज़रीन मुँह में रखते ही घुल गई है बर्फ़ी और बहुत ही मज़ेदार। ये कोई सियासी बयान नहीं, ये बिल्कुल सच में बहुत हालस है और जिसे हाइजेनिक कहते हैं प्योर गाँव की बर्फ़ी। तो चाचा जी रेट भी बता दें, क्या इसका रेट है? 1200 रुपये किलो। सो नाज़रीन 1200 रुपये किलो है। और ये दूध भी बिल्कुल हालस है, अभी चेक करो लमा लमा भाजी कि चेक कराने का अपनी बहुत ही मजेदार है। और जो पॉइंट क्या है ढिलन बलगन में, क्या नाम आके लेना है बर्फी लेनी हो तो जफर। हाँ चाचा जी जफर के पास जाना है बर्फी लेने के लिए, तो बहुत ही मजेदार नाज़रीन बर्फी है। दो में मिक्स करके पा दो, पहला पहला ठीक है, बस ला दो बड़ी है। और इनकी वही पुरानी जैसे अंदरून लाहौर में दुकानें होती हैं, बिल्कुल वैसी दुकान है। और अब इन्होंने थोड़ा सा इसको रेनोवेट कर लिया। और जाट लोग चाचा ये आप थोड़े वाले साहब ही बनाते हैं कि तुसी आप ये बर्फी बनानी तैयार की थी शुरू? अच्छा अच्छा सही हो गया। बिल्कुल नाज़रीन दूध की फ्रेश दूध की खुशबू होती है, बिल्कुल सेम आ रही है खुशबू ऐसी। और वो चाचा जी का अपना ही है सारा। चाचा जी बर्फ़ी बनाने के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ कोई ऐड करें कोई? मतलब सिर्फ दूध ही होता है? दूध के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ चीनी और दूध, उसको पकाना है खालस दूध को। बिल्कुल नाज़रीन खालस दूध को पका के ये बनती है बर्फ़ी। और अगर आपका सियालकोट में विजिट हो तो आप लाजमी यहाँ पे तशरीफ लाइएगा और चाचा जी की बर्फ़ी को एंजॉय कीजिएगा। इसके साथ बर्फ़ी को मिक्स करते हैं। वाह
ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ।